हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास LG का 14 इंच का एक टीवी आया है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूंगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जलना चाहिए वो भी जल रहा है और हमारा टीवी पे जो स्टैंड बाई पावर इंडिकेटर ऑन होने के बाद जो हमारा स्टैंड बाई मोड ऑन होता है और स्टैंड बाई मोड ऑन होने के बाद कैसे वाला पिक्चर आ रहा है देख लीजिए। ये देखिए, अप साइड पे हमारा 1/2 इंच तक हमारा पिक्चर शॉर्टेज है, नीचे साइड पे हमारा 2 इंच तक 3 इंच तक हमारा पिक्चर शॉर्टेज है। ये वाला प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और इसीलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब काम करेंगे तो अच्छी तरह से पता चलना चाहिए आप लोगों को कहाँ से प्रॉब्लम होता है ये वाला प्रॉब्लम, तो आसानी होगी काम करने के लिए, तो पता चल जाएगा कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ठीक है दोस्तों, मैं पहले टीवी को ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है और इस वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा 14 इंच का ट्यूब, ये रहा ए बी ओ कॉइल, ये रहा बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आया है वो हमारा वर्टिकल सेक्शन से आया है, क्योंकि ये वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम देता है तो अप डाउन का पिक्चर शॉर्टेज हो जाता है। और ये वर्टिकल सेक्शन पे क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखने के लिए एक एक करके चेक करूँगा। जो वोल्टेज होता है वोल्टेज को चेक करने से पता चल जाएगा हमारा कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे चुका हूँ। पावर देने के बाद टीवी स्टार्टिंग होने के बाद हमारा जो जो वोल्टेज जरूरी है वो वोल्टेज को चेक कर लेंगे। जैसे हमारा पावर सेक्शन से वोल्टेज निकल के आता है तो हमारा 110 वोल्ट मिल गया, और 110 वोल्ट मिलने के बाद हमारा EST पे वोल्टेज चला गया, और EST रन करने के बाद हमारा 2 वोल्टेज तैयार होता है जो हमारा वर्टिकल सेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। जैसे 14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट माइनस, ये दोनों वोल्टेज जरूरी है, नहीं तो ये वाला वर्टिकल IC हमारा रन नहीं करेगा। इसका स्टार्टिंग वोल्टेज जो रनिंग वोल्टेज जो बोला जाता है, पावर वोल्टेज बोला जाता है, वो जो ये वाला पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज मिलने के बाद इस पर हमारा चेक कर लेंगे। जो इस पर मिल जाता है हमारा पॉजिटिव वोल्टेज जो 14 वोल्ट प्लस, और दूसरे पे मिल जाता है हमारा 14 वोल्ट माइनस। 14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट माइनस मिलने के बाद हमारा वर्टिकल IC पे वोल्टेज आना चाहिए, वो वोल्टेज को भी चेक कर लेंगे। जैसे हमारा इस वाला पॉइंट पे मिडिल वाला पिन पे मिल जाता है हमारा 14 वोल्ट माइनस मिल गया है, और इस वाला पॉइंट पहला वाला जो पॉइंट है पॉइंट पे हमारा 14 वोल्ट प्लस मिलेगा, और दूसरा जो हमारा ये डायोड के थ्रू और एक वोल्टेज दिया गया है और उसका बाद ये वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज मिल जाएगा 14 वोल्ट प्लस। देखिए 14 वोल्ट प्लस मिल रहा है, मतलब क्या हुआ हमारा 14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट माइनस हमारा वर्टिकल IC पे पहुंच रहा है। उसके बाद भी हमारे टीवी पे वही पिक्चर का प्रॉब्लम है, नीचे साइड ऊपर साइड का पिक्चर का प्रॉब्लम। और एक चीज़ चेक करना जरूरी है, जैसे हमारा वर्टिकल सेक्शन का रन करने के लिए हमारा मेन IC को जरूरत होता है 5 वोल्ट 8 वोल्ट। जो 8 वोल्ट प्रॉब्लम देगा तो इस वाला प्रॉब्लम होगा, 5 वोल्ट प्रॉब्लम होगा तो इस वाला प्रॉब्लम होगा। इसीलिए क्या करेंगे, जो हमारा रेगुलेटर सेक्शन है रेगुलेटर सेक्शन को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। जो EST सेक्शन जो पावर सेक्शन से निकल के जो वोल्टेज आता है जो रेगुलेटर वोल्टेज वो हमारा 9 वोल्ट होता है। दोस्तों ये जो रेगुलेटर का वोल्टेज होता है 9 वोल्ट से 9 वोल्ट लिखा हुआ है, देखिए ये हमारा एक रेगुलेटर होता है जो 4 पिन का रेगुलेटर होता है, जो 9 वोल्ट का रेगुलेटर जो इनपुट होता है पहले नंबर पिन, दूसरा नंबर आउटपुट, तीसरा नंबर ग्राउंड, चौथा नंबर हमारा स्विचिंग होता है, और इस पर हमारा 9 वोल्ट बनाता है। जैसे चेक करेंगे देखिए ये हमारा इनपुट पे वोल्टेज कितना है 10.9, जो हमारा 9 वोल्ट से ही आया है, लेकिन इस पर डायोड के थ्रू हमारा बूस्टिंग जो हमारा कैपेसिटर होता है कैपेसिटर स्टॉक करने के बाद हमारा इस पर 10.5 आ चुका है, और 10.5 आने के बाद इस पर हमारा 9 वोल्ट आउटपुट करेगा। ये 9 वोल्ट कब आउटपुट करेगा, जब हमारा स्विचिंग पे 3.3 आएगा जो हमारा मेन प्रोसेसर से, जो 3.3 को चेक कर लेते हैं 3.3 हो गया है। उसके बाद देखेंगे ये जो 9 वोल्ट तो हो गया है, 9 वोल्ट आउटपुट कर दिया है, 9 वोल्ट आउटपुट करने के बाद एक रेगुलेटर होता है जो 5 वोल्ट रेगुलेटर बोला जाता है, जो 5 वोल्ट रेगुलेटर पे हमारा एक रेजिस्टेंस लगाने के बाद इस पर इन हो जाता है हमारा 7.2 वोल्ट, और आउटपुट करता है मिडिल वाला ग्राउंड होता है, तीसरा वाला जो होता है वो हमारा 5 वोल्ट होता है, और 5 वोल्ट को 5 वोल्ट आउट करने के बाद ये हमारा प्रोसेसर पे चला जाता है, जो 9 वोल्ट और हमारा 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट को चेक करेंगे 9 वोल्ट को चेक करेंगे। जैसे ए वाला पॉइंट पे देखिए IC का लास्ट वाला जो 1 2 3 वाला जो पिन है ये 5 वोल्ट और 8 वोल्ट का, पहले तो हमारा 8 वोल्ट का 5 वोल्ट का चेक कर लेते हैं। देखिए 4.9 आ रहा है,
और दूसरा वाला जो है 8 वोल्ट का, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए 8 वोल्ट, मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमारा मेन प्रोसेसर से मेन प्रोसेसर पे हमारा रेगुलेटर का वोल्टेज पहुंच रहा है। रेगुलेटर का वोल्टेज पहुंचने के बाद हमारा जो वर्टिकल सेक्शन होता है, वर्टिकल सेक्शन का जो फ्लिप होता है, वो फ्लिप पे हमारा पल्स जाना चाहिए। जो हमारा मेन जो आईसी है, जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर से पल्स आने के बाद हमारा ये वर्टिकल आईसी को ऑन करेगा। जो अप डाउन का पिक्चर जो बढ़ाना चाहिए वो बढ़ाना शुरू कर देगा, जो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग का जो पॉइंट होता है वो वाला पॉइंट पे। पहले तो देख लीजिए हमारा फ्लिप का पॉइंट कैसे होता है, कहाँ पे होता है। ये फ्लिप का पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट, ये देखिए 1 2, इस पे हमारा पल्स के लिए हमारा वोल्टेज निकलता है जो 0.6 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, इस पे निकल रहा है 1 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, और दूसरे पे मिल रहा है 0.7 वोल्ट। ये जो 0.7 वोल्ट है, यही वोल्टेज हमारा सही है, लेकिन ये जो हमारा 1.1 वोल्ट दिख रहा है, ये वाला वोल्टेज हमारा सही नहीं है, ये 0.7 वोल्ट होना चाहिए। ये दोनों पिन पे हमारा सेम तरीके से वोल्टेज होना चाहिए, तो हमारा ये वाला जंपिंग के बाद हमारा जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी काम करेगा। इसीलिए क्या करेंगे, ये जो हमारा वोल्टेज पल्स का जो पॉइंट है, ये पॉइंट को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, क्योंकि ये जो 1 वोल्ट दिख रहा है, ये 1 वोल्ट हमारा सही नहीं है, ये जो 0.7 वोल्ट है, 0.7, ये वाला हमारा सही है। इसीलिए क्या करेंगे, ये दोनों पिन को ओपन कर देंगे। ओपन कर देने के बाद इस दोनों पिन को चेक करेंगे, तो हमारा करीब करीब सही वोल्टेज आ रहा है कि नहीं देखना चाहिए। तो करीब वोल्टेज आएगा तो हमारा ये वाला मेन प्रोसेसर सही रहता है, और हमारा इसको लगाने के बाद हमारा वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा, तो इस वाला पॉइंट पे हमारा प्रॉब्लम होगा, जो हमारा वर्टिकल आईसी भी हो सकता है। इसीलिए एक एक चीज़ को चेक करेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट को मैंने पहले ओपन करूँगा। दोस्तों मैंने दोनों पॉइंट को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद क्या होगा, हमारा ये वर्टिकल पॉइंट आ जाएगा, वर्टिकल जो प्रॉब्लम होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, और उसके बाद चेक करेंगे जो हमारा वोल्टेज का डिफरेंस हो गया था, वो वाला वोल्टेज डिफरेंस चेक करेंगे। जैसे पहले नंबर पिन पे चेक करते हैं 0.7 दिख रहा है, और दूसरा नंबर पिन पे चेक करेंगे तो वही वोल्टेज दिख रहा है, जो 1 वोल्ट दिख रहा था वो 1.4 वोल्ट दिख रहा है, और उसके बाद चेक करेंगे जो हमारे दोनों वोल्टेज होता है, दोनों वोल्ट डिफरेंस रह गया है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ चेक करना है, जो हमारा इस वाला पॉइंट को मैंने जब इसको टच करूँगा, जो कनेक्ट कर दूँगा, तो हमारा पिक्चर आप साइड पे चला गया, देखिए। और दूसरा नंबर पिन पे जब मैंने चेक करूँगा इस पे, तो इस पे टच करने के बाद हमारा पिक्चर पूरी तरह से बंद हो गया है, और हमारा पिक्चर जो रेनबो कलर तक आ गया है, और थोड़ा सा दिख रहा है, आप लोगों को पता नहीं चलेगा तो छोड़ दीजिए, लेकिन इस पे टच करने के बाद हमारा पिक्चर हट जाता है, क्योंकि ये वाला मेन आईसी से ही हमारा फ्लिप मिसिंग है, क्योंकि एक पे हमारा 0.6 वोल्ट मिल रहा है और उस एक पे हमारा 1 वोल्ट मिल रहा है, इसीलिए ही डिफरेंस कर रहा है। उसके बाद चेक करेंगे जो हमारा वर्टिकल आईसी से जो फ्लिप इनपुट हो रहा था, वो वाला वर्टिकल आईसी पे इनपुट पे मैं टच करूँगा, क्योंकि टच करने से हमारा ये वाला जो लाइन है, वो लाइन हमारा जंपिंग करेगा, और हमारा थोड़ा सा पिक्चर भी देखना चाहिए। इसीलिए क्या करेंगे, इसको टच नहीं करना है, लेकिन ये जो फॉयल है, ये फॉयल को सिर्फ टच करना है, ये वाला फॉयल को टच करना है। फॉयल को टच करने के बाद देखिए, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा करके पिक्चर हमारा अप डाउन कर रहा है, जो भी हो इस पर फ्लिप काम कर रहा है। और दूसरा नंबर पिन पे भी चेक कर लेंगे इस वाला पॉइंट पे, दोस्तों मैंने इसको जब टच करूंगा, तो इसको मैंने गाउन के साथ टच करूंगा, तो देखिए हमारा पिक्चर बढ़ रहा है, अप डाउन हो रहा है, लेकिन और
और दूसरा नंबर जो फ्लिप है उसको भी टच करूंगा तो नीचे साइड पे पिक्चर बढ़ रहा है। मतलब दोस्तों हमारा जो वर्टिकल आईसी सेक्शन है, वर्टिकल आईसी सेक्शन पूरी तरह से सही है और हमारा मेन आईसी सेक्शन से जो फ्लिप आ रहा है वो फ्लिप का प्रॉब्लम दे रहा है। इसीलिए चेक करना है वर्टिकल सेक्शन पे कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ये चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप लोग वर्टिकल सेक्शन को पार्ट्स चेंज करके भी आप लोग सही नहीं कर पाएंगे। इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये हमारा वर्टिकल आईसी से, जो वर्टिकल आईसी से जो फ्लिप इनपुट होता है वो वाला पॉइंट पे हमारा मेन प्रोसेसर से ही प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों मेन प्रोसेसर ही खराब है ये नहीं है, क्योंकि इस पे जो पार्ट्स लगा रहता है ये वर्टिकल सेक्शन को रन करने के लिए वो भी सेक्शन पे खराब हो सकता है। क्योंकि इस पे जो पार्ट्स है ये पार्ट्स काम करता है इसका जो प्रोटेक्शन सेक्शन है वो प्रोटेक्शन सेक्शन पे, जैसे हमारा 5 वोल्ट से काम करता है, 8 वोल्ट से 5 वोल्ट से काम करता है वो तो है, 8 वोल्ट से हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम करता है, 5 वोल्ट से हमारा वर्टिकल सेक्शन काम करता है। लेकिन दोस्तों इस पे और एक चीज़ ज़रूरी है, इस पे एक कैपेसिटर लगाया रहता है जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहता है। आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कहाँ पे है, वो ढूंढ के दिखा दूंगा। वो हमारा इस पे वर्टिकल का प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन जो पीएफ है वो पीएफ खराब हो जाएगा तो इस वाला प्रॉब्लम देगा। लेकिन वो पीएफ चेंज करने के बाद भी हमारा इस सिस्टम काम नहीं करेगा तो क्या होता है, हमारा मेन प्रोसेसर ही खराब है। इसीलिए नीचे साइड का जो पिक्चर है, अप साइड का जो पिक्चर है वो शॉर्टेज हो गया है और ये हमारा पल्स बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है। लेकिन ये जो नीचे वाला जो 0.7 वोल्ट का जो पॉइंट है वही पॉइंट का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आना चाहिए था, लेकिन इस पर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, वो पीएफ को ढूंढते हैं, ओ पी एफ कहाँ पे है। दोस्तों एक 100 UF का एक कैपेसिटर पीएफ रहता है, वो पीएफ को ढूंढना चाहिए। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा कहाँ पे प्रॉब्लम, जो पीएफ है वो पीएफ कहाँ पे है। दोस्तों मैंने वो वाला पॉइंट को मैंने ढूंढ के निकाला है जो हमारा इस पे, देखिए मैं मेन आईसी पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारा VSC जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट से जो एक कैपेसिटर होता है वो हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। मैंने एक नया वाला कैपेसिटर भी लेके इस पे कनेक्ट करके देखा तो हमारा वही वाला प्रॉब्लम दिख रहा था। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं और एक बता दूँ, जो इसको जब मैंने टच किया तो हमारा नीचे वाला जो पिक्चर आ रहा था इसको मैंने दूसरा फ्लिप पे भी कनेक्ट करके देखा तो मुझे क्या पता चला, देखिए दूसरा वाला फ्लिप से देखिए ये पिक्चर अप हो रहा है, मतलब ये वाला दूसरा वाला फ्लिप भी काम कर रहा है। और मतलब क्या होता है, हमारा मेन आईसी ही शायद ख़राब है। इसीलिए एक मेन आईसी को लगा देने के बाद इसको जो प्रॉब्लम है वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।